खबर गुना से, जहां नवविवाहिता की मौत के मामले में जन समाज के द्वारा लव जिहाद की धाराएं और हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कराने मुख्यमंत्री के नाम पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मिश्रा को ज्ञापन दिया। दिगंबर जन समाज गुना के जिलाध्यक्ष संजीव जैन ने बताया कि 4 वर्ष उपरांत शादी किया अचानक बच्चे कीर्ति जैन द्वारा जहर खाकर या खिलाकर मौत का मामला सामने आया। इस मामले में बच्ची को इलाज के लिए चोरी छुपे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि पूरा मामला आपराधिक होकर पुलिस के संज्ञान में जाना था। वसीम कुरैशी और उसके परिवार द्वारा बच्ची कीर्ति जैन के शव को चोरी छुपे कब्रिस्तान में दफनाने के लिए भी ले जाया जा रहा था। जब पुलिस को सूचना मिली तो शव को बरामद करने के बाद उसका पोस्टमार्टम कराया। जैन ने बताया कि बच्ची की मौत किन हालातों में हुई, मौत के क्या कारण बने, मृतका के परिजनों की शिकायत को गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया, बच्ची का नाम परिवर्तन कैसे किया गया, उसका जैन धर्म कैसे बदला गया और मुस्लिम बनाया गया और बच्ची निजी अस्पताल में क्यों भर्ती नहीं की गई, इन सब की जांच बारीकी से होनी चाहिए। ज्ञापन में बताया वसीम कुरैशी का पूरा परिवार आपराधिक प्रवृत्ति का। इस घटनाक्रम के बाद जन समाज के साथ शहरवासियों में काफी आक्रोश है। बेटी को खोने के बाद उसकी माँ बेसुध है, लगातार न्याय की गुहार लगा रही है। बच्ची को आए दिन प्रताड़ित किया जाता था। आरोपी द्वारा बच्ची का इलाज संजीवनी अस्पताल हार्ट रोड पर कराया, जबकि ऐसे मामले में शासकीय अस्पताल में भर्ती कर इलाज कराया जाना चाहिए था। बच्ची को कब अस्पताल में भर्ती कराया गया उसकी जानकारी बच्ची के परिवार को नहीं दी गई। बच्ची अस्पताल में तड़पती रही, 15 घंटे तक बच्ची के बयान भी नहीं लिए। ये सब संदेह के घेरे में आता है। जैन ने कहा मुख्यमंत्री द्वारा लव जिहाद का कानून मध्य प्रदेश में बनाया है। वसीम के संपूर्ण परिवार पर जिन्होंने जहर देकर बच्ची को मारा, उन पर लव जिहाद की धारा सहित हत्या की धाराओं में मामला दर्ज होना चाहिए। जैन समाज गुना की बिटिया कीर्ति जैन के संबंध में आज यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हुए थे। मुस्लिम समाज द्वारा आजकल जो लव जिहाद की घटनाएं हो रही हैं, हिंदू समाज और जैन समाज की बच्चियों को बहला फुसला कर उनके साथ अनैतिक दुराचार और बहला फुसला कर उनसे शादी निकाह संबंधी जो भी घटनाएं हो रही हैं उनकी पुनरावृत्ति ना हो, उनके प्रति ठोस कार्रवाई हो, इस संबंध में आज ज्ञापन दिया गया है। अगर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो आगे चलकर माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इससे संज्ञान में लिया जाएगा और आंदोलन का रूप धारण करके ऐसी घटना रोकने के लिए हो सकता है बाजार भी बंद करना पड़े, लोगों को जोड़ना पड़े, मौन जुलूस निकालना पड़े, तो वो सब हम करेंगे।